आज सुबह सुबह जब मैं जागा तो मुझे खाने का मन हुआ जरा सा पेटा तो ट्विस्टर एंड चिकन बिरयानी। तो मैंने सोचा मैं घर वालों से पैसे मांगूँ या ना मांगूँ, एंड मेरे मन में ख्याल आया मैं इनसे पैसे मांगूँगा पापा या मम्मी से, तो बोलेंगे बेटा तू एक हफ्ते में एक बार फिल्म देखने जाता है, अब तो इसके लिए भी पैसे चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार अगर 2 से 3 घंटे में अगर मैं 200 से 250 रुपये कमा कर ट्विस्टर बिरयानी खा लूँ तो एक तो मुझे एक नया ब्लॉग मिल जाएगा, ऊपर से पैसे की जो वैल्यू समझ में भी आ जाएगी वापस, कि मैं पहले कैसे इतना मेहनत करता था पैसे कमाने के लिए रैपिडो में। तो मैंने सोचा आज मैं वापस फिर से रैपिडो में आऊँ, 200-250 रुपये कमाऊँ, एंड आई थिंक एक ट्विस्टर आता है 80 का एंड एक बिरयानी आती है 70 रुपये की, तो टोटल 150 रुपये का मेरा खाना हो जाएगा, लंच हो जाएगा, एंड उसके बाद में 2-2.5 घंटे में अगर 3 रुपये हो जाते 200-250 रुपये तो मज़ा आ जाएगा। एंड ब्लॉग तो मिल ही रहा है बनाने में, तो अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ मारुति सुजुकी के जो नेक्सा शोरूम है ISBT के सामने। वाओ, आई मीन सपना होता है लोगों का यहाँ से कार खरीदने का, एंड मेरा सपना है कि आज मैं बिरयानी खाऊं एंड चिकन ट्विस्टर खाऊं, बस मेरा इतना ही सपना है। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ ये हो गई कि मैं हेलमेट लेके आया नहीं आज, एंड इतनी बड़ी गलती ना मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे खुद समझ ही नहीं आ रहा कि मैं सबसे पहले हेलमेट पहनना भूल गया। कोई सिर्फ दो ही आई है, सबसे पहले तो मैंने अपनी कोचिंग ख़त्म की 11:30 बजे, एंड फिर मुझे जो भोपाल टाकी से वहाँ से पहला कस्टमर मिला जिसको जाना था अशोका गार्डन, तो मैंने उसको भोपाल टाकी से अशोका गार्डन छोड़ा। देन दूसरा कस्टमर था आई थिंक उसी के पीछे जो इंडस्ट्रेरिया से ISBT यानी यहाँ तक। तो फिलहाल तो मैं अभी खड़ा हूँ ISBT के जो तिराहे पर, एंड मैं पिछले यहाँ पे 1 घंटे से खड़ा हुआ हूँ, एंड कोई भी मैं कहूँगा ऑर्डर या डिलीवरी या सवारी नहीं मिल रही यहाँ से। यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं, मैं तुम्हें 3 एक करके दिखाता हूँ। याला रास्ता जाता है, ये जाता है MP नगर की तरफ, उसके बाद याला रास्ता जाता है अन्ना नगर की तरफ, एंड ये जाता है ISBT की तरफ या हबीबगंज की तरफ। बट कुछ भी बोलो भाई, जो पनौती यहाँ आके लगती है हर बार, कोई मिलता ही नहीं है सवारी यहाँ के बाद। फाइनली 4 हो गई हैं, जैसे ही मैं वहाँ से निकला ISBT से तुरंत मेरे को डिलीवरी मिल गई, जो मेरी मुझे करीबन जहाँ से आगे निकलते हैं ISBT वाले रास्ते, आई थिंक जो गोविंदपुला वाला रास्ता होता है वहाँ से मिली लाल घाटी के लिए। एंड लाल घाटी से जैसे ही मैंने वीडियो बनाने की सोची तुरंत एक और मिल गई, वो मुझे मिली जहांगीराबाद तक के लिए। 4 हो गई, एंड जहांगीराबाद के लिए यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर ऊपर थी, तो मैं यहाँ से जमजम पे आ गया, मेरे कहा सीधे जमजम पे जाके वीडियो बनाऊँगा। अभी तक पानी भी नहीं पिया, एंड 2:30 बज गए भाई, 2:30 मतलब 1 बजे वहाँ से मिली थी, एंड 1.5 घंटे ये पूरा लग गया, तो ऐसी तैसी हो गई मतलब यार इतनी गाड़ी चला चला के। तो आ गए अपन जमजम फूड फाइनली, तो ये रही अपनी बिरयानी खाना है कर। अपना ट्विस्टर कर देना ही खाने के लिए, बिल्कुल भाई तो ये बन रहा है ट्विस्टर एकदम गर्मा गर्म, ये रखी बिरयानी ऊपर चल के खाएंगे आराम से। Thank you.
जब YouTube पे जाओगे कल देखना YouTube पर। सो ये रहा पूरा यहाँ पे, मतलब बहुत बेहतरीन चलता है यार यहाँ पे तो। हाँ कल दूँ ये आ गया YouTube चैनल अपना, ये कर दो सब्सक्राइब। ये ना भाई सबसे ऊपर देख लो, सब्सक्राइब कर दिया है। हाँ ये ही है, चले जाओ अंदर। इस पर कल डलेगा देना जम जम करके, देखना आप भी। भाई आपका नाम क्या है? और हाँ जुबैर भाई। तो जुबैर भाई जो है यहाँ पे बहुत दिनों से काम कर रहे हैं एंड वही बना रहे हैं आज मेरा ट्विस्टर। हाँ भाई यही है, अपना भी चैनल है यार। ये देख लो ये रहे भाई, भाई का भी चैनल है। नाम मैं बताओ तो मेरे भाई चैनल। ये रहा ये आ गया, थैंक यू भाई। तो जुबैर भाई ने कर दिया ये बिरयानी और ये रही ट्विस्टर। के मामले तो बहुत ज़्यादा ही सही है, मतलब यार ट्विस्टर और ये बिरयानी। अगली यार कुछ और भी चखेंगे, लेकिन अभी इतनी कमाई हुई 150 रुपये, 150 दे दिए मैंने एंड ये ले लिया। बाकी चटनी मटनी जो है ये फर्स्ट फ्लोर है जमजम का, यहाँ से देख सकते हो ये फर्स्ट फ्लोर है। इसके ऊपर नीचे गाड़ियाँ पार्क कर दो, नीचे खाना चाहो तो नीचे खा लो खड़े होके, लेकिन ऊपर जो है पूरा एकदम बना रखा है उन्होंने बैठने टाइप का। ट्विस्टर खाएंगे, फेवरेट एकदम ट्विस्टर। प्रॉब्लम ही आ रही है, या तो मेरी पूरी शक्ल दिखेगी या तो ये खाना चाहिएगा। हमने चाहा कि दोनों दिखे भाई, मतलब अगर जम जम आओ भोपाल में तो जम जम जरूर आओ नॉन वेज खाने के लिए, स्पेशली नॉन वेज और कुछ नहीं। अब सही लग रहा होगा क्योंकि जो भी खाओ खाने की बात अलग है यहाँ की, एंड वो भी मेहनत करके खाओ। मैं सुबह 8 बजे से निकला, सुबह मैंने कोचिंग किया, तो सुबह 8 से 11 कोचिंग, 11:30 बजे से मैंने शुरू किया था रेपिडो एंड अभी करीबन 2 या 3 घंटे मान लो, 3 घंटे में 180 रुपये रेपिडो से कमाए एंड अपनी मेहनत की कमाई का खाया। ये पेट्रोल का जो है निकल गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि टोटल आए थे 180 करीब, जिसमें से अगर टैक्स भी मान लो टैक्स काट के 180 रुपये आए थे, तो हाँ इतना पेट्रोल मिल गया होगा कि अभी घर जाते समय अगर 1 आध जलेबी और मिल गई तो पूरा पेट्रोल भी कवर हो जाएगा, लेकिन जो मज़ा मेहनत तो खाने का वो मज़े ही रहेगा। एंड सबसे अच्छी यहाँ है ये चटनी और प्याज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पूरी। बात पसंद नहीं हमें, ऊपर चटनी और प्याज चटनी छोड़ दिया, मैंने बाप भी नहीं जाऊँ नहीं, ये गलत किया है चटनी पर देख रहे हो तो।
रोस्ट अच्छे से यार, मैंने बहुत अच्छे से बनाया। ये नॉर्मली मैंने नॉर्मल जैसे चिकन बिरयानी है, लेकिन ये रोस्टेड है बहुत सारे स्पाइसेस के साथ, यानी बहुत से स्पाइसेस जो ये मैरिनेट किया है इसको, फिर जाके बिरयानी बना। पता नहीं था इसका नॉर्मल वाला ख़त्म हो गया वो, ये इसको ठिकाने लगा रहे होंगे, इतनी ज़्यादा नहीं डरता बिरयानी में, बट बहुत अच्छा लग रहा है, जिप्सी मज़ा आ रहा है। अगर खाना हो तो हाथ से खाओ, तब मैं तो फालतू ही नहीं है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है यार चिकन, नॉर्मल से ज़्यादा, यानी ट्विस्टर 10 मिनट से ज़्यादा ले लिए मैं यार खाने में, कभी ऐसे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये मेरी सबसे आराम से बहुत ज़्यादा अच्छा है, जल्दी देख लो मुझे कह रहा हूँ यार। चिकन मरा हुआ है कि भेजिए पालक, हाँ अभी मैं कहूँ पालक ये एंड चिकन भरा है, पूरा रोटी से एकदम कवर है, जो कि अगर बहुत ज़्यादा टेस्ट है। इससे अगर तुम लोगों ने इस पर करीबन 15 लाइक आ गए, 15 लाइक काफ़ी है, अभी जिस प्रकार से है 1100 सब्सक्राइबर्स के हिसाब से 15 लाइक काफ़ी रहेंगे, 15 लाइक आ गए तो मैं एक और जगह ले जाऊँगा तुम लोग को, जहाँ पे ना आई मीन 30 रुपये में, हाँ 30 रुपये में पेट भर के तुम्हारा फुल हो जाएगा। हिंट दे दूँ, उसका नाम है दाल पकवान, इस पर 15 लाइक आ गए तो फिर मैं तुम्हें ले जाऊँगा दाल पकवान की दुकान पे। मेरा फेवरेट है, मैं हफ्ते में 3 से 4 मतलब हफ्ते में नहीं, हफ्ते में एक आदमा तुम खाते ही उसके पास से, ऐसी फ्रिक्वेंसी है वहाँ पे। भोपाल के जितने भी मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट या टपरियाँ जितनी मैं सारी घुमाऊँगा तुम लोगों में, इस पर 15 लाइक आ गए इस वाली वीडियो पे, तो ये भी बहुत लंबा हो जाता है। अब 1000 का खाएं, मजा आ गया, पैसा बच खाना टका रह गई। ये पहने मास्क, अब घर जाके करेंगे पढ़ाई। बट अगर 70 रुपये भी मिल जाए तो क्या जाएगा, मेरा पेट्रोल का तो निकल ही आएगा कम से कम, कोई एक ही मिल जाए, एक ही मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि पेट वेट भर चुका है पूरा। एंड पेट नंबर 6 पे पीछे खड़ी है वही जिससे मैं गया था कोटा, ये गाड़ी जाती है कोटा करीबन 5 बजे के लगभग निकली जाती है, एंड मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ यहाँ पर, मुझे ये पता है। मैं दिखाता हूँ तुमको जोधपुर, अगर याद हो इसी ट्रेन से मैं गया था कोटा, यही ट्रेन जाती है एंड ये अभी यहीं पे खड़ी है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे पैसेंजर्स तो बहुत ही कम आते हैं, एंड वो रहा उसका लोकोमोटिव। मैं सोच रहा हूँ अंदर जाऊँ, लेकिन ये मिल जाएगी तो मैं सीधा घर निकल जाऊँगा, मतलब उसको छोड़ के। अगर नहीं मिलेगी कोई भी सवारी तो फिर अपन सीधे निकलेंगे घर एंड करेंगे पढ़ाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो ज़्यादा टाइम बर्बाद हो। करीबन अब हो चुके हैं 3 बजने वाले हैं पूरे, एंड
में हो जाता ट्रेन में सारे मैक्सिमम 3:15 तक ठीक है, उसके बाद मैं वापस चला जाऊँगा घर। एंड बस यही है इस वीडियो का एंड। बहुत ही बेहतरीन खाना था जमजम का। तो सुबह साझी वीडियो में नहीं मिलते, अगली वीडियो में बाय।